80 से 90% लोग ना कॉलेज में खाली प्लेसमेंट्स लेने ही आते हैं, और एज वी आर मेकिंग गलगोटियास कंटेंट ना, तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन रहता है भाई। गलगोटियास कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों की प्लेसमेंट साथ में होएगी फोर्थ ईयर में, वहां तो इतने ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ इतने से बच्चे हैं, तो क्या साथ में बिठा लेगा? यार इसका ना परफेक्ट आंसर बस वो ही दे सकता है जो प्लेसमेंट में बैठा हो। उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे लिस्टेड है। आज हम एक कंपैरिजन करते हैं भाई, क्या कंपैरिजन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ आज है प्रणव जो कि गलगोटियास का कंटेंट बनाता है, सब चीज उसको गलगोटियास के बारे में पता है। आज हम उससे पूछेंगे, बढ़िया से सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे। अरे प्रणव कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ जा बाइक लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यूट्यूबर है। तुझे पहले बताया था जितने पैसे देती है ना यूट्यूब, ये बाइक अभी नहीं आने वाली। तो यार और कैसे चल रहा है यूनिवर्सिटी में सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी करंटली एग्जाम्स वगैरह कुछ चल रहे हैं भाई? बस एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे, इंटर्म के एग्जाम्स है अभी, वो फोर्थ सेमेस्टर के। हाँ जी भाई। ओके ओके। फोर्थ का नहीं यार, जो भी एग्जाम्स होते हैं साथ ही होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके एग्जाम साथ ही होते हैं वहाँ, तो ऐसा कुछ डेट का अलग सीन नहीं होता। अच्छा, जैसे ना देख अब ये वाला टॉपिक एग्जाम्स का ही आ गया तो मैं बता दूं कि हमारे में तो एक सेमेस्टर होता है, फिर सेमेस्टर के पहले सीए ही होते हैं दो। अच्छा। सेमेस्टर में ना प्रणव ऐसा है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं सेमेस्टर में, फिर हमारे फर्स्ट सीए में 2 सब्जेक्ट, फिर सेकंड सीए में 2 सब्जेक्ट, और ऐसे एक थर्ड एडिशनल सीए हो जाता है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और फिर सेमेस्टर होता है। तो जीयू में कैसा होता है भाई? हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ सबसे पहले तो आईए होता था, बट आईए इंटरनल असेसमेंट। अबे इतना पता है भाई, जेनुअली मेरे को सीए की नहीं मुझे पता है भाई। तो आईए होता था, बट जब से नए वीसी आए तो वो सिस्टम हटा दिया, तो सिस्टम पूरा भी चेंज हो गया है। अब यार यहाँ पे हमारा कैट होता है जो कि क्लासरूम अटेंशन टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है, इतना बड़ा है भाई। तो वो होता है कैट 1 होता है, कैट 2 होता है, पहले कैट 3 भी होता था जिसमें पीपीटी दिखाना होता था, बट अब वो भी हटा दिए इन लोगों ने। और गाइस अभी हमारे साथ जो सीन हो रहा है ना, पहले जो एग्जाम्स होते थे तो वो होते थे 50 मार्क्स के, बट यार अब वो हमारा 100 मार्क्स का होने लगा है सेमेस्टर, या फिर सेमेस्टर जो 80 होता है इंटरम एग्जामिनेशन सेमेस्टर का एंड का, वो पहले से 50 मार्क्स के होते थे गलगोटियास में। हमारे तो 100 ही होते हैं, हमारे भाई पहले 50 के होते थे। अच्छा, तो और अटेंडेंस वगैरह क्या रहता है? मत पूछ भाई, अटेंडेंस तू जानता होगा, डिबार्ड का क्या सीन है वहाँ का। तो ऐसा होता है गलगोटियास कॉलेज में डिटेन बोलते हैं और इसमें डिबार्ड बोलते हैं। गलगोटियास यूनिवर्सिटी में जब कोई पैसे वगैरह लेते हैं 3300 है भाई डिबार्ड की पर सब्जेक्ट। हाँ जी, और बीटेक में तेरी 5 से 6 सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो तू कैलकुलेट कर ले। और 75 अटेंडेंस स्ट्रिक्टली मेंटेन, स्ट्रिक्टली ब्रो, अब तो कुछ क्राइटेरिया कम भी नहीं करते, प्लस मेडिकल भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेडिकल भी, वरना बच्चे क्या करते थे भाई, एक मेडिकल बनवा लिया 100-200 का लगा दिया भाई, अब वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक तेरा कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, हाथ टूट गया पैर टूट गया ऐसा नहीं है ना, वो पेट दर्द सर दर्द वाला बहाना खत्म हो गया है हमारे यार। तो यार ऐसे ही गलगोटियास कॉलेज में भी सेम वही है, बट ये कि बस पैसे नहीं लेते, डिटेन करते थे। और प्रणव ऐसा होता है, अब तो जो डिटेन हो जाता है ना उसको एक अंडरटेकिंग भरना होता है, उसके बाद उसका री एग्जाम भी हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तेरे को बताता हूँ सीन क्या है, जो बंदे का डिवाइड हो गया ना, तो जैसे हमारी समर वेकेशन होती है 2 महीने की, उन्हें उसमें वो पढ़ाई करनी होती है, उनका समर वेकेशन भाई पूरा बर्बाद। 2 महीने वो यहाँ रहेंगे, उसमें भी उन्हें 75% मेंटेन करना है 2 महीने में। जो अभी करेंटली कितने सेक्शन है सीएस को भाई, स्टूडेंट इंटेक को जानता है कितना यूनिवर्सिटी का, मतलब कितने सेक्शन हो फर्स्ट ईयर में भाई, अप्रोक्स इस बार 55 सेक्शन और एक सेक्शन में 80 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 80 बच्चे। यहाँ यार कॉलेज की बात करें तो सीएस कोर में बस 3 सेक्शन है फर्स्ट ईयर में, जो अभी जब मेरे टाइम पे थे जब 2 थे, तो मेरे टाइम पे भाई अप्रोक्स 28 सेक्शन थे जब मैं आया था। अच्छा, तो अब वो डबल हो गए भाई 55, और मेरे को लगता है इस साल और ज्यादा होने वाले हैं। पॉपुलैरिटी है, जरूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए भाई। मैंने न्यूज पे देखा था अप्रोक्स 5 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है सीयूईटी में, गलगोटियास को ऑप्ट किया है यार, सोच ले नाम तो है ही गलगोटियास का। वैसे मेरे पे तो भाई जितने क्वेरीज आते हैं ना,
मेरे जितने व्हाट्सएप मैंने जैसे अपने चैनल पे बता रखा है भाई, इतने क्वेरीज आते हैं सब जीयू के, उन्हें अगर कोई और कॉलेज सजेस्ट करो, नहीं भैया घर वालों ने बताया है जीयू बहुत बढ़िया है। घर वालों ने बताया लेना, अरे जीयू ही लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना भैया, और कुछ मत बताओ, जीयू में कैसा होगा बस वो बताओ यार। देखो मतलब गलगोटियास कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना बहुत बढ़िया लेवल के फेस्ट भी होते हैं। इवन यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो कॉलेज से भी अच्छे उसके लेवल में फेस्ट होते हैं। थोड़े से आर्टिस्ट के नाम जानते हैं प्रणव सर भाई, कैंपस लाइफ जो यूनिवर्सिटी की बस उसी लिए फेमस है। देखो गलगोटियास यूनिवर्सिटी और कॉलेज ना मोस्टली कैंपस लाइफ के लिए ही फेमस है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी होती है, बट फिर भी गलगोटियास यूनिवर्सिटी इवन ज्यादा हायर लेवल पे है भाई, अच्छे लेवल के लाइफ के लिए भाई। बहुत स्टूडेंट लाइफ जो है ना वहाँ पे लिटरली बहुत सारे क्लब्स हैं, मैंने बहुत बार बताया भी अपने वीडियोस में, बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स हैं। आप जो स्टूडेंट काउंसिल है ना हमारी, हम लोग भाई हमेशा हर वीक कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। आज मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, आज भी हमारे यहाँ गवर्नर आई है, गवर्नर आई है, इससे पहले भाई राजनाथ सिंह आ चुके हैं, नितिन गडकरी सर आए थे। यार ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, बट हमारे व्यूअर्स को जिसमें इंटरेस्ट है वो बताइए ना। सेलिब्रिटीज तू बता पहले, जीसीडी में कौन कौन आता है फिर मैं बताऊंगा। जीसीडी में भी अच्छे खासे आते हैं, इस बार एमसी स्क्वायर आया था, रोम रोम भाई, रेंद रफ्तार, एमसी स्क्वायर ठीक है बट रफ्तार रफ्तार, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। रफ्तार ही नहीं आया था भाई, उसके साथ भी और बहुत सारे डीजे आते हैं, लाइक अभी तूने देखा होगा पहले रणबीर कपूर आया था, रणबीर कपूर अकेला नहीं आया था, प्रीतम सर आए थे उनके साथ, और तीन चार और सिंगर्स आए थे। बिल्कुल यार, इवन लाइक सब कवर ही कर दिया होगा, बचे ही नहीं कुछ नहीं भाई, अप्रोक्स 12-13 लोग आए थे भाई जब रणबीर सर आए थे ना, उनके साथ 12-13 सेलिब्रिटीज आए थे। बहुत हिट था रणबीर सर वाला, वीडियो डाल रखी है? हाँ मैंने डाल रखी है, देखो वीडियो डाल रखी है रणबीर सर वाली, जिसको भी चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, चेक कर सकता है, तो आप चेक कर लेना। और उसके ऊपर अगर जाओगे ना तो मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब बटन है, तो वहां भी जरूर प्रमोशन जरूरी है गाइस, चैनल का प्रमोशन जरूरी है यार। मतलब बढ़िया लेवल के फेस्ट वगैरह कैंपस लाइफ होती है, क्लब सोसाइटीज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग के लिए अलग से अलग बन रखा है, यहाँ टेक्नोजैम है, यहाँ लूप है कोडिंग का, ऐसे यार अगर एक्टिंग, मैनेजमेंट, सिंगिंग, डांसिंग के लिए, फोटोग्राफी तुम्हें पसंद है, तुम्हें जो पसंद है भाई हर चीज के लिए क्लब। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है लिंगो फिक्स उसके लिए बना रखा है, तुम्हें बस कंटेंट लिखना पसंद है उसके लिए अलग क्लब बना रखा है, तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए भी क्लब बना रखा है भाई। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई आपको यही सारी फैकल्टीज मिलती है, बट फैसिलिटीज मिलती है, इस सब का भी बढ़िया एक्सपोजर रहता है। अगर किसी को ना करिकुलम अदर करिकुलम एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, तो गलगोटियास कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी दोनों उसको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे करती है, जो भी बोले यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे लेवल पे करती है, बाकी चीजें बहुत सपोर्ट करती है। सिमिलर बिल्कुल सेम यार, ऐसी प्लेसमेंट्स वगैरह भी लाइक 1.5 सीआर का प्लेसमेंट हुआ है अभी यूनिवर्सिटी का। हाँ तो ऐसे ही कॉलेज में भी अच्छे खासे प्लेसमेंट होते रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस का थोड़ा प्रणव से यूनिवर्सिटी का जान लेते हैं। भाई मेरे पास भी सबसे ज्यादा बच्चे ही पूछते हैं भैया एडमिशन कैसे लेना है, सारी चीजें तो बता दी एडमिशन। तो देख यूनिवर्सिटी में कुछ ज्यादा खास है नहीं एडमिशन लेने का। अगर तेरे को बीटेक सीएस करना है तो तेरे को बस 60% सुपर मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। अगर तेरा पीसीएम में 60% नहीं हो रहा है, और अगर तेरे अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक तूने सीएस ले रखा है, आईटी ले रखा है, आईपी ले रखा है, कुछ भी अदर देन ले रखा है तूने, तो तू उसको सीधा केमिस्ट्री से रिप्लेस कर, उसकी जगह पे तू सीएस के मार्क्स लगा दे बस। भाई क्या ही बताऊं मैं, क्या यार बढ़िया टेक्निक भाई, एडमिशन के अलग टेक्निक से भाई। एडमिशन तो बहुत ही, इवन मतलब प्रणव अभी मेरे को रास्ते बता रहा था कि लाइन लगी हुई थी एडमिशन अप्रोक्स भाई, मतलब डेली के कम से कम 100 से 150 बच्चे डेली आ रहे हैं विजिट करके एडमिशन लेने के लिए। यार देखो नीचे ना कम्युनिटी इंस्टाग्राम दोनों के लिंक है, तो वहाँ आप जाकर और डीपली हम भी पूछ सकते हैं। और प्लीज यार हाय हेलो वाले मैसेज मत करा, प्लीज प्लीज भाई मेरी भी रिक्वेस्ट है ये, हाय हेलो हेलो भैया कैसे हो भैया ये मत किया करो गाइस, रहने देते हो, कॉल आ रहा है भाई अभी भी, देखो किसी बच्चे का ही कॉल आ रहा है। हाँ जी मैं प्रणव बात कर रहा हूँ, आपने भी कॉल किया था? अच्छा अभी कॉल किया था, आपका यूट्यूब पे चैनल है क्या कोई? हाँ जी है। अच्छा आपने डाला हुआ था कल गोटिया के बारे में। हाँ जी आपका नेम? मेरा नाम विशाली मलिक। विशाली मलिक, अच्छा कौन से कोर्स क्लब देख रहे थे कल गोटिया को? ओके आपने अभी कमेंट किया था, मैंने देखा अभी जस्ट। यार देखो अगर आपको क्वेरी है ना तो पूरा आप डिटेल में लिख दिया करो कि इस कॉलेज इसमें ऐसे परसेंटाइल है ये है, तो हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे। गलगोटियास कॉलेज भी AKTU से एफिलेटेड है,
तो आपको वही होता है भाई, काउंसलिंग के राउंड्स में अप्लाई करना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 80-85% सीट यहाँ ना काउंसलिंग में जाती है, बाकी डायरेक्ट को जाती है। कॉलेज में एक्टिव्स एफिलिएटेड तो कोर्सेज कौन-कौन से कराते हैं? तो यहाँ बीटेक ही है लाइक पीक पे, और बाकी ये पता है भाई मैंने यही सुना है, जो कॉलेज है ना बीटेक के लिए ही फेमस है, जितने बंदे हैं सिर्फ बीटेक के लिए ही यहाँ आते हैं। तू क्यों आया था भाई यहाँ? मैं भी आ ही गया था वीडियो बनाने, मैंने देखा था कि भाई गलगोटिया कॉलेज में कोई वीडियो नहीं बनाना, इसमें कमी है, तो मैंने आकर। जब मैं भी आया था भाई उस टाइम कोई नहीं था, लिटरली मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया था क्या एडमिशन प्रोसेस है, कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट आया यहाँ, बताया कि 25,000 टोकन मनी, बस मैंने बोला ओके सर है डन, बस एडमिशन डन, कुछ नहीं हुआ था भाई, कुछ नहीं यार। मतलब कोई अब तो ये कि हर हफ्ते नया इन्फ्लुएंसर बन रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में, बट ये है कि जिसकी वीडियोस है एंड से लास्ट तक वो कंसिस्टेंटली बना रहा है। तो यार कॉलेज तो मेनली बीटेक के लिए ही फेमस है, और बाकी यहाँ एमबीए का बीबीए के थोड़े से कोर्सेज चलते हैं, है ना, फार्मेसी भी चलता है कॉलेज में, बट वो डायरेक्टली मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी से भी एमबीए का कोर्स एफिलेटेड है, है ना। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो लाइक ऑल ओवर ऑल ओवर भाई जितने कोर्सेज है, तो बीटेक ले ले, बीटेक में 17 से ऊपर स्पेशलाइजेशन दे रखा है, बीबीए है, बीबीए में 18 सुपर सेक्शंस है, एमबीए है, तो बाकी जो कोर्स ले भाई, तू पीजीडीएम का नाम ले ले, तू वो सब छोड़, होटल मैनेजमेंट वो भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी, फार्मा भाई जितने कोर्स तू बोले, बीएससी टूरिज्म करेगा वो भी कराते, टूरिज्म भी कराते भाई गलगोटिया वाले, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है यूनिवर्सिटी। फीस वगैरह मेरे को यार याद नहीं है सही में, बीटेक की 1.2 या फिर 1.3 है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूछ के डाल दूंगा। यूनिवर्सिटी की महंगी है, इस बार 1.64 है, 1.5 थी जब मैं एडमिशन ले रहा था, 1.6 थी ब्रो, 1,59,000 था, बस 1,000 कम था, प्लस वो भी मिसलेनियस फी 3200 रुपए लेते हैं, तो हो जाता है। अभी इस बार यार एग्जामिनेशन फी के नेम पे 5,000 रुपए बढ़ा दिए हैं, 5 के उन्होंने इंक्रीज किया है, तो अब वो अप्रोक्स 1,64,000 हो गया है फर्स्ट ईयर वालों की फी। यार ऐसा होता है, और लास्टली हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्लेसमेंट, उसके बारे में बात करते बिल्कुल हैं। और कुछ नहीं बता भाई, ये रियलिटी नहीं है कि साथ में प्लेसमेंट्स होती है, मैं एक वीडियो डालूंगा, वो ऐसा होता है, मेरे को एक सीनियर भैया ने बताया था कि जो बैठ चुके हैं इसमें प्लेसमेंट्स में, कि ऐसा होता है थोड़ी कंपनी जो आती है ना वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह देते हैं लाइक जस्ट हैव अ लुक, वी हैव अनदर यूनिवर्सिटी, उनके बच्चे भी अगर है तो आप जा सकते हो। बाय द वे मतलब सेपरेटली ही होती है ज्यादा ज्यादा, अब ये नहीं पता आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो 4 साल तक क्या बदल क्या जाए, बदल जाए भाई, कुछ एक नहीं साल पता। में आपने प्रोनाउंसिएशन लिया 28 से 55 और क्या क्या हो रहा है exactly, तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ बस बने रहो, जीयू के लिए इसको फॉलो करते रहो, जीसीटी के अपडेट्स फॉलो करते रहो, मिलते रहते हैं। और अगर आप कॉलेज वगैरह विजिट कर रहे हो जियो जीसीटी, जस्ट पिन कर दो, इन्फॉर्म कर दो, हम जरूर आपसे मिलेंगे exactly, बहुत अच्छा लगेगा हमसे आपको मिलना। मैं भाई हमेशा मिलता हूँ, जो सब्सक्राइबर्स आते हैं मेरे भाई, आओ मिलो, अच्छा लगता है, इतने दूर से आ रहे हो, अगर मिल रहे हो ना एक फ्री राइड भी मिलेगी प्रणव। अरे नहीं भाई ठीक है यार, इस वीडियो को एंड करते हैं।